दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण, तीन राशियों का सपना होगा पूरा। दोस्तों साल 2023 का दूसरा सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर दिन शनिवार अश्विनी मास की पूर्णिमा को लगेगा। दोस्तों इस ग्रहण के दौरान कई सारी घटनाएँ होंगी, तो वहीं कई ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। यह चंद्र ग्रहण काफ़ी भयंकर और काफ़ी लंबा रहने वाला है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह चंद्र ग्रहण इस बार शनिवार के दिन लगेगा, यानी कि 28 अक्टूबर दिन शनिवार को यह चंद्र ग्रहण रहेगा। और दोस्तों इस दिन कई सारे राजयोग और धनयोग का निर्माण होगा। इसका सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव भी देखने को मिलेगा, परंतु सभी राशियों में से तीन राशियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी भाग्यशाली होने वाली हैं और उनको करोड़ों का धन मिलने वाला है। यानी ये तीन राशियों का सपना होगा पूरा। ये तीन राशियां धन से मालामाल बन जाएंगी। इन तीन राशियों के ऊपर इस चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव देश और कई देशों में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ हो सकती हैं। दोस्तों 28 अक्टूबर को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण कब कहाँ, इसका सही समय और सूतक काल, इसके अलावा कौन कौन सी तीन राशियां भाग्यशाली रहेंगी और किस प्रकार का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको सारी जानकारी देंगे, इसके साथ ही ये भारत में कौन से हिस्से पर दिखाई देगा और किन किन देशों में दिखाई देगा, ग्रहण काल का सूतक काल का समय और ग्रहण काल में बरती जाने वाली उन महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको हम बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों उन सभी शुभ कार्यों के बारे में भी हम आपको बताएंगे जो ग्रहण काल के समय वर्जित रहता है और जो करने योग्य है। दोस्तों चंद्र ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको निश्चित तौर पे इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अपने जीवन में चली आ रही किसी भी प्रकार के कष्ट और समस्याओं से, परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ प्रभाव लेकर आए, तो आप कमेंट में जरूर जय चंद्रदेव लिखेगा। और हाँ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो होगा वो मान्य होगा। इस चंद्र ग्रहण का अशुभ असर कुछ विशेष राशियों पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं जिनका सपना होगा पूरा, जिनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि 28 अक्टूबर को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण साल 2023 का असर, इस चंद्र ग्रहण का असर भारत सहित कई देशों पर ही होगा। ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका में और अटलांटिक अंटार्कटिका में देखा जाएगा। एशिया के हिस्से में दिखाई देगा, साथ ही हिंद महासागर में भी ये दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगर सूतक काल की, तो ग्रहण काल यानी कि ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये 28 अक्टूबर को रात्रि 10:33 से शुरू हो जाएगा और ये चंद्र ग्रहण रात्रि 3:50 तक चलेगा। लेकिन जो मुख्य चंद्र ग्रहण होगा वो रात्रि 1:30 से रात्रि 2:52 तक चलेगा। दोस्तों बताना चाहेंगे कि यह 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगेगा। दोस्तों सूतक काल चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले ही लग जाता है, इसलिए यह 28 अक्टूबर को दोपहर 2:30 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों बच्चे, रोगी, बीमार, बूढ़े को छोड़कर किसी अन्य को सूतक काल से लेकर ग्रहण काल तक भोजन और खाना नहीं खाना चाहिए। पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थ में तुलसी दल जरूर रख देनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों गर्भवती महिलाओं को लिक्विड के अलावा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी जब तक ग्रहण पड़े तो उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ तक कि चौखट और दहलीज पर भी नहीं लागना चाहिए। साथ ही छुरी, चाकू, सुई, कैंची, धारदार वाली नुकीले चीज़ें, यानी कि जिनमें यानी कि नुकीली चीज़ें हैं, कैंची, सुई, सभी चीज़ें छूना वर्जित है, काटना वर्जित है, यानी कि जो काटने वाली चीज़ है उसको बिल्कुल न छुए। ग्रहण काल में सोना और भोजन दोनों वर्जित है, यानी कि आपको ना तो खाना है और ना ही पीना है और ना ही सोना है। दोस्तों चंद्र ग्रहण में आपको
यानी कि ये काफी महत्वपूर्ण सावधानियां भी बरतनी चाहिए, खासतौर पर कोई भी ग्रहण हो सूतक काल जब लगता है। तो दोस्तों खासकर साल 2023 का यह दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी लगेगा, जिसका असर सभी राशियों पर देखा जा सकता है। लेकिन खासकर दोस्तों ये तीन राशियां ऐसी हैं जो बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है, जिनका सपना पूरा होने वाला है, इनको धन का अंबार मिलने वाला है, यानी कि धन का खजाना मिलेगा, साथ ही यह करोड़पति भी बनेंगी। जरूरतमंद लोगों को दोस्तों चंद्र ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए, शुभ माना जाता है। इस चंद्र ग्रहण में दान करना आपके लिए शुभ माना जाएगा। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ना करें और ग्रंथों के अलावा जैसे सूतक काल या ग्रहण काल में पूजा पाठ ना करें, देवी देवताओं की मूर्ति को छूना वर्जित है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, अशुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण में अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण मंत्रों का जाप करें, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, ओम चंद्र देवाय नमः इस मंत्र का भी जाप करें, और ग्रहण लगने के बाद यानी कि समाप्त होने के बाद अनाज का दान करें। नहाते समय आपको गंगा जल डाल के नहाकर स्वच्छ पवित्र होकर फिर आप दान करें, काली चीजों का दान करें या फिर सफेद चीजों का दान करें, काफी अच्छा माना जाएगा। दोस्तों तुलसी के पत्ते का सेवन भी ग्रहण के समय कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। दोस्तों साल 2023 का यह लगने वाला चंद्र ग्रहण आपके जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव डालने वाला है और ये आपके जीवन में पैसे जुड़े, धन से जुड़े कोई भी समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा दिलाने वाला है। परंतु यह चंद्र ग्रहण हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं आपको यानी कि एक एक करके इन राशियों का हाल जिनका सपना पूरा होने वाला है इस चंद्र ग्रहण में। वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका सपना पूरा होगा और वह कौन सी राशियां जिनको सावधानी भी बरतने की जरूरत है। तो दोस्तों ये जो कौन सी राशियां हैं जो करोड़पति बनेंगी, जिनका सपना पूरा होगा, दोस्तों सबसे पहली जो राशि आती है दोस्तों बताना चाहेंगे वो है कुंभ राशि। जी हाँ, कुंभ राशि को आपके लिए यह चंद्र ग्रहण काफी शुभ रहेगा, आपके सपनों को साकार करेगा, आपको आय में वृद्धि होगी, धन के इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, किसी जॉब के लिए किए गए प्रयास आपको सफलता दिला सकते हैं। बता दें कुंभ राशि को कि सामाजिक सरोकार निभा पाएंगे, लोगों से मेल मिलाप बढ़ेंगे, अच्छे कार्यों में लाभ मिलेगा, कई महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, तो आपके लिए यह चंद्र ग्रहण काफी अच्छा रहेगा। लोकप्रियता समाज में बढ़ेगी, लोगों के प्रति आपको खुशियां प्राप्त होंगी, साथ ही सहयोग की प्राप्ति होगी और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर व्यापार में निवेश करिए, लाभ होगा, व्यवसाय में आपको विशेष लाभ होगा, अच्छे अवसर मिलेंगे, सफलता दिलाने वाला यह समय साबित होगा, आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी, आप कई प्रकार के शुभ कार्य करने की कोशिश भी कर सकते हैं, आपकी कोशिशें रंग ला सकती है, आपको अपने कार्यक्षेत्र में कार्यस्थल में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, आपकी प्रशंसा होगी, आप अपने पुराने मित्रों से फिर से मेल मिलाप कर सकते हैं यानी कि मुलाकात हो सकती है। दोस्तों आप अपने आप को समाज में स्थापित करेंगे, महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा, राजनीतिक क्षेत्रों से विशेष लाभ होगा, राजनीतिक बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों बता दे वो है दूसरी राशि जिनका सपना पूरा होने वाला है, वो है तुला राशि। तुला राशि को बता दे कि अब आपके अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेगा और अचानक से आपको धन का लाभ होगा, नए धन के स्रोत सामने आ सकते हैं, जमीन जायदाद से आपके मामले जुड़े हैं अगर तो फैसले आपके पक्ष में आएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति तुला राशि को काफी अच्छी रहेगी, राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ होगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी, साथ ही नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, आपके अटके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं, इसके अलावा धन मान सम्मान भी बढ़ेगा और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, धन अचानक से कहीं से आपके पास आ सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, सुधर जाएगी, आप अपने जीवन में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे और इसमें आपकी परेशानियां भी खत्म होगी, धन आने के रास्ते यानी कि खुल जाएंगे, साथ ही यह समय आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित जरूर रहने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पीन की चीजों में ध्यान रखें और इसमें पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वित्तीय मामले में सुधार होगा, कई महत्वपूर्ण मामलों में लाभ देखने को मिलेंगे, धन योग के प्रबल योग बनेंगे। अब अगली जो तीसरी राशि है जिनका सपना पूरा होगा दोस्तों वो है कन्या राशि। कन्या राशि को लॉटरी सट्टा से लाभ होगा, मार्केट से आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी, आमदनी में डबल मुनाफा प्राप्त होगा, किसी से मनमुटाव चल रहे थे, आपके रिश्ते अगर टूटने के कगार पर थे तो वो सब खत्म होंगे, परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वाहन का सुख प्राप्त होगा, कारोबार का विस्तार करेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधारने का कई महत्वपूर्ण मौका मिलेगा, किसी भी प्रकार की दिक्कतों का अगर सामना करना पड़ रहा था तो इसमें वो भी समाप्त होगी, वाणी पे नियंत्रण बनाए रखिएगा,
वाणी पे मिठास आएगी, संतान को लेकर चिंतित है तो संतान की तरक्की से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों फिर उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे, प्रोफेशनल संबंध बेहतर होंगे और इसमें पूजा पाठ पे आपका मन लगेगा, दिल खोलकर इसमें काम करेंगे और आपको आपके लिए ये ग्रहण धन संबंधित कई चीजों में मुनाफा देकर जाएगा। गुप्त धन आपको दिला सकता है, किसी भी रास्ते से गुप्त धन चलते आपको करोड़पति भी बना सकता है, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों बताना चाहेंगे वो है सिंह राशि। सिंह राशि के आपको आपके लिए भी ये चंद्रग्रहण काफी अच्छा रहेगा, आपके सपनों को साकार करेगा, धन संपत्ति में लाभ होगा, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आमदनी बढ़ेगी, कार्य में लाभ होगा। उसी प्रकार से मकर राशि भी है, मकर राशि के जातकों आपको थोड़ा दुर्घटना से सावधानी बरतनी है लेकिन धन दौलत में वृद्धि होगी, आपके धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आप बिना किसी जॉब के भी धन कमा सकते हैं, लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, सोच समझकर कार्य करें और वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा, मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी, मनमुटाव अगर चल रहा था तो वह दूर होता हुआ नजर आएगा, इसलिए विशेष ध्यान रखेगा। दोस्तों बता दें कि बिना जॉब के भी धन कमा पाएंगे। इस चंद्र ग्रहण में जहां एक और शनि ग्रह वक्री है तो वहीं बृहस्पति ग्रह भी वक्री हैं और बुध ग्रह और शुक्र ग्रह भी वक्री अवस्था चल रहे हैं, जो कि राजयोग और धनयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि इन राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, इन राशियों के लिए बहुत ही लाभ देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपनी राशि का हाल जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा अपनी राशि का नाम। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय चंद्रदेव।